सभी का धन्यवाद, आप सभी जुड़े हुए हो और आज पूरा दिन एक गहमा गहमी का दिन रहा आज, क्योंकि 5 तारीख थी, सब लोग 5 तारीख की मीटिंग के लिए लगे हुए थे और यहाँ पे हम आगे हैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर। आते ही सोचा कि भाई सब लोग उसे बातचीत कर ले जाए, यहाँ पे भी लोग काफी लोग यहाँ पे पहुंच गए वापसी, जो अपनी गाड़ी से ट्रेन से आए थे, ट्रेन से भी लोग आए वे आ गए, गाड़ी वाले भी यहाँ पे आने लग रहे, कुछ लोग जाने लग रहे। और धन्यवाद उन सभी लोगों का, खास करके जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं, जिनको कहते हैं कि ये शहर के लोग हैं और ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं है। मतलब जिस हिसाब से पिछले 2 दिन से मुजफ्फरनगर के लोगों ने अपने घर के दरवाजे बाहर के लोगों के लिए खोल ले, रात में अगर किसी के भी गली में कोई आदमी आया, वो पंजाब का था, हरियाणा का था या उत्तर प्रदेश का, किसी कहीं से भी आया, मुजफ्फरनगर लोगों ने पूर्ण रूप से दिल खोल के उनकी सेवा करी। वहाँ के जो रेडी वाले, रिक्शा वाले जो लोग थे, उन्हें आप अपनी ई रिक्शा से पानी भिजवाने का काम करा, पूरी सेवा उन्होंने करी। जिस तरह से पूरा पंजाबी समाज अपना वहाँ लगा रहा, गुरुद्वारे, पंजाबी बारात घर, अलग अलग बैंक्वेट हॉल, सिद्धार्थ बैंक्वेट हॉल, पूरी गलियाँ, पूरे घर, जिस तरह से खाला पार के लोगों ने नवास कैंपस में खाट बिछा के, हरियाणा वाले जो लोग आए उनको चारपाइयां दी, मतलब वो एक सोच से भी परे था। मुजफ्फरनगर में जिस भी गली में लोग गए वहां पे उनका पूरा आदर सत्कार करा। वो पिछले 2 दिन से शहर के लोग लगे हुए थे, वो दुकानदार थे, उन्होंने भी पूरा सहयोग वहां पे करा। जो कर्मचारी थे वहां के, जो सफाई करने वाले लोग थे, नगर पालिका के कर्मचारी, उनका पूर्ण रूप से धन्यवाद है कि उस सफाई के अभियान में उनका भी एक बड़ा योगदान वहां पर रहा। अगर बारिश होती रही तो पानी निकालने का एक बड़ा काम जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे पदाधिकारी थे सारे, जो हमारे वॉलंटियर थे, जितने वॉलंटियर लगाए वो वॉलंटियर पूर्ण रूप से कम रहे। हो सकता है कि किसी को असुविधा हुई हो, लेकिन धन्यवाद देते हैं सभी गांव के लोगों का, जिन्होंने आप अपने गांव से खाना बना कर लाए और उसको बहुत विधिवत रूप से सब लोगों को दिया, पानी दिया। तुम संदेव सबका धन्यवाद देते हैं। और जो लोग भी अभी रास्ते में हैं, वो हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश कि अलग अलग जगह के, राजस्थान के, अगर बसें लेकर आए हैं तो वे शांति पूर्ण तरीके से बसों को लेकर जाएं, अपने वाहनों को लेकर जाएं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, नींद आ जाए तो सोएं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वे लोग जाएं शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त मीटिंग। प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि बहुत प्रेस के लोग वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर काम करा। पुलिस प्रशासन के लोगों का भी बड़ा सहयोग वहाँ पर रहा, जिन्होंने पूरी पंचायत स्थल को देखा और पूरा सेक्टरों में बांटने का वहाँ पे काम करा। उन प्रशासन के लोगों का भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपने जो वॉलंटियर्स थे, जो अपने लीडर्स थे, उनके सबके साथ में मिलकर काम करा। उनका सबका हम धन्यवाद देते हैं और ये एक बड़ी जीत किसानों की हुई। एक शांतिपूर्ण तरीके से एक बड़ी पंचायत वहाँ पर हुई, जिसमें लोगों का अंदाजा ये था कि 20 लाख के आसपास वहाँ पर लोग थे। तो 20 लाख लोगों का मतलब होगा कि 20 लाख परिवार उस पंचायत से जुड़े, उस पंचायत से रूबरू हुए। और अब हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर पे वापसी पहुँच गए हैं। अब आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी संयुक्त मोर्चे के लीडर फैसला लेंगे, वहाँ पर बहुत लोग संयुक्त मोर्चा के आए, हो सकता है कि बहुत लोग ना बोल पाए हो, लेकिन काफी कोशिश वहां पे बुलवाने की करी, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग वहां पे थे, खाप पंचायत के लोग वहां पे
थे उनका एक अलग महत्व है, संयुक्त मोर्चे के लोग थे उनका एक अलग महत्व है पूर्ण रूप से, और जो संगठनों के लोग हैं वे अलग अलग संगठनों के लोग थे उनका एक अलग महत्व है। जिस तरह पे वहाँ पे अलग अलग होल्डिंग आप देखने को मिलेंगे तो वो ही थे कि सब ने अप अपने होल्डिंग झंडे वहाँ पे लगवाने का काम करा, तो सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद, सभी मीडियाकर्मी का धन्यवाद जो दिल्ली से भी वहाँ तक गए कवरेज करा, उनका भी धन्यवाद। और आप सभी को आप सुरक्षित घर तक जाएं, आप शांतिपूर्ण घर तक जाएं, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, आने वाले टाइम पे पूरे देश भर में कहाँ कहाँ मीटिंग होगी उसको अपडेट हम आपको करते रहेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, सभी शहरवासियों का धन्यवाद, दिल खोल के पूरे मुजफ्फरनगर के गांव के लोगों ने, मुजफ्फरनगर के शहर के लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल के रखे, तो हम सब की तरफ से उन सबका धन्यवाद। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर, यूपी, दिल्ली।